हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी किचन। आज हम आपके साथ बनाने वाले हैं क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स, जिसके बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो यहाँ पे आपके आगे मेंशन कर दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हमारी वीडियो को एंड तक देख के लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमने क्रिस्पी बॉल्स बनाने के लिए लिया है सबसे पहले मैश पोटैटो, जिसको हमने एक बॉल में निकाल लिया है और अच्छे से निकाल लेंगे बॉल पोटैटो को, मैश पोटैटो को, और उसके अंदर गांठें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मैश हुआ हो पोटैटो। तो अब हम इसके अंदर डाल लेंगे जो हमने वेजिटेबल्स कट किए हैं। शिमला मिर्च लिया है हमने, ग्रीन चिली लिया है हमने, उसको मिक्स ही काट लिया था तो हमने उसको दोनों को डाल दिया है, बिल्कुल बारीक काटना है। अब हम इसमें डालेंगे अनियन जो हमने बिल्कुल बारीक काट लिया था, और अब इसके अंदर डाल देंगे, देखिए टमाटर जो हमने इसमें डाल दिया है बिल्कुल बारीक कटा हुआ होना चाहिए ताकि ये खाने में और मुंह में आए ना, बिल्कुल छोटा छोटा काट दिया अगर आपको बनाना है क्रिस्पी बॉल्स। और हमने लिया है मटर, आप कोई भी सब्जियां ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हों पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए। अब हम इसमें लाएंगे ब्रेड क्रम जो हमने घर पे ही बनाया था ब्रेड्स के साथ, तो हमने डाल दिया है 3 या 4 चम्मच अकॉर्डिंग टू योर पोटैटोस और इसके पेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, तो हमने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, अजवाइन, वो आपकी मर्जी है डालनी है डालिए, नहीं डालनी मत डालिए। इसमें डाला है हमने ब्लैक पेपर, और अब डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको हाथ के साथ मिक्स कर देंगे, तरह से हमने आटे की तरह ही इसको मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिल जाए और हम इसका पेस्ट बना सकें एक डो की तरह। हमने ये देखिए तैयार कर लिया है, बनाकर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, हमने दोनों हाथों से इसके बॉल्स बना लिए हैं। अच्छे से देखिए गोल हो जाए, इसके कहीं से भी ये निकलना नहीं चाहिए, अच्छे से गोल गोल बन जाए। तो आप इसको एक प्लेट में रख लीजिए, सारे ही हम ऐसे बना लेंगे धीरे धीरे करके। आप इसको किसी भी शेप में ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप गोल बनाइए। ये देखिए हमने ऐसे बना के तैयार कर लिए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं अलग अलग कलर्स इसमें। अब हम एक बॉल लेंगे, उसके अंदर हम एक लिक्विड तैयार करेंगे। ये 2-3 चम्मच हमने लिया है मैदा, इसके अंदर डालेंगे हम अब ब्लैक पेपर, नमक और पानी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और पानी डालकर फिर इसको मिक्स कर लेंगे और इसका बिल्कुल थिन पेस्ट बनाना है, गाढ़ा ना हो पेस्ट। थिन पेस्ट बनाने से बिकॉज हमें इसको हम बॉल्स को इसके अंदर डिप करना है ना, तो इसलिए हम इसका जो पेस्ट है वो बिल्कुल पतला रखेंगे, गाढ़ा पेस्ट नहीं होगा। ये देखिए हमने बना के तैयार कर लिया है, देखिए मेरी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल पतला है। अब हम बॉल्स लेंगे वो इसके अंदर डिप करेंगे, डिप करने के बाद हम इसके ब्रेड क्रम के अंदर डिप करेंगे इसको, और इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम को लगा लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे, और निकाल के फिर एक प्लेट में रख लेंगे। उसके बाद सारे ही हम डीप फ्राई करेंगे, देखिए हम एक एक करके ब्रेड क्रम्स के साथ निकाल रहे हैं, रख लिए हैं सब सारे तैयार करके। देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, ये हमने कढ़ाई में एक तेल लिया था वो पहले ही गरम कर लिया था,
बिल्कुल अच्छे से गरम करना है मीडियम फ्लेम पर। और अब हम इसमें डालेंगे ये ब्रेड क्रम्स वाले जो हमने लिए हैं बॉल्स। फिर इसको अच्छे से तेल में डालकर, गरम तेल में डालकर इसको फ्राई होने देंगे, डीप फ्राई, क्योंकि इसको हल्का सा ब्राउनिश कलर आएगा। ये बहुत सुंदर लगता है देखने में दोस्तों। कम से कम 4 या 5 डालकर ज़रूर डीप फ्राई करें, बिकॉज उससे अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। 1 या 2 करेंगे तो जलने का भी डर होता है और फिर वो अच्छे भी नहीं बनते हैं, तो इसलिए 4 या 5 ज़रूर डालकर डीप फ्राई करें। देखिए हमारे हो गए हैं, हमने निकाल लिए थे एक बाउल में, बट इसको टिश्यू में ज़रूर रखें, बिकॉज टिश्यू से जो सा तेल होगा वो सूख जाएगा इसके साथ। और अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए हमने एक प्लेट में सर्व कर लिए। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को।